राजस्थान के मौसम से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट है। मौसम विभाग ने एक और नई चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की नई चेतावनी क्या है, कहां कहां पर अति भारी बारिश होगी, लेकिन उससे पहले कुछ बड़े अपडेट आपको दे दूं। राजस्थान में बीते करीब दो दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। टोंक का टोरडी सागर डैम भी ओवरफ्लो हो गया है। मंगलवार सुबह बांध के बहाव क्षेत्र से निकल रही रोडवेज की बस बह गई। राहत की बात यह रही कि बस में सवारियां नहीं थी। हालांकि ड्राइवर का अभी भी पता नहीं चला है कि ड्राइवर कहां है। वहीं भारी बारिश की आशंका के चलते आज प्रदेश के 7 जिलों के स्कूल भी बंद है। अच्छा, स्क्रीन पर आप देखिए, यही है वह लो प्रेशर सिस्टम जिसकी वजह से राजस्थान के अधिकांश भागों में बारिश हो रही है। इसी मौसमी तंत्र से प्रदेश में बीते करीब 36 घंटों से अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। और आपको बता दूं, तेज बारिश की वजह से राजस्थान में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात अब यह है, यह जो लो प्रेशर सिस्टम है यह आज आगे बढ़ जाएगा और पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट यह है, भले ही यह सिस्टम पाकिस्तान की ओर आगे बढ़ जाएगा, लेकिन बारिश का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में 7, 8 और 9 अगस्त को भी भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बड़ी अपडेट यह है, पूर्वी पाकिस्तान की ओर बना निम्न वायुदाब क्षेत्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर खिसक कर सक्रिय हो गया है। इसी बीच 8 और 9 अगस्त को एक नया सिस्टम विकसित हो रहा है, यह पूर्वी राजस्थान में सक्रिय होगा। और मौसम विभाग के ताजे अपडेट के अनुसार कल 7 अगस्त को भी अजमेर, अलवर, दौसा, जयपुर यहां पर कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही में चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, श्रीगंगानगर यहां पर कल बारिश का दौर एक बार के लिए काफी धीमा हो जाएगा। उसके बाद 8 अगस्त को भरतपुर में भारी बारिश की संभावना है। दौसा, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू यहां पर भी भारी बारिश हो सकती है। और 8 अगस्त को सीकर, टोंक यहां पर भी भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और 9 अगस्त को भी इन्हीं जिलों में भारी बारिश की संभावना है। लेकिन बड़ी बात यह है, यह जो लो प्रेशर एरिया बना था जिसकी वजह से जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर यहां पर कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हुई थी, यह सिस्टम अब आज आगे बढ़ जाएगा और यहां पर अब बारिश की गतिविधियों में भी धीरे धीरे काफी कमी हो जाएगी। लेकिन बड़ी अपडेट यह है, 7, 8 और 9 अगस्त को भी प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा।